नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके लिए अक्सर आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जयपुर की सड़कों पर रात के समय निकलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ सड़कें अब रात में सुरक्षित नहीं है और रात में यहाँ तेंदुए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। ये घरों में घुसकर के शिकार कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक ताज़ा वीडियो आमेर इलाके से सामने आया है। आमेर में सागर रोड पर एक मकान में घुसकर के तेंदुआ बछड़े का शिकार करके ले गया और कॉलोनी में करीब 3 घंटे तक रात को तेंदुआ मंडराता रहा। आज से 10 साल पहले जिस अगस्ता हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल बाल बचे थे, उस हेलीकॉप्टर को अब कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। राजस्थान सरकार इस अगस्ता हेलीकॉप्टर को अब 12वीं बार बेचने का प्रयास कर रही है। पिछली बार इसकी रिजर्व प्राइस 4.5 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन इसके कीमत पर यह नहीं बिका। अब इसकी कीमत और कम करने की तैयारी है। जयपुर में नाबालिग के साथ में 3 साल से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। गलतागेट पुलिस के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आरोपी युवक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा करके शादी करने का झांसा दे रहा था और बार बार दुष्कर्म कर रहा था। युवती ने परिजनों को युवक की करतूत के बारे में बताया। इसके बाद गलतागेट थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया। राजस्थान में पिछले लंबे समय से दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर अब अंकुश लगना शुरू हो चुका है। मंगलवार को राजस्थान में पेट्रोल 14 पैसे जबकि डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ, जबकि जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत घट करके 108.42 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत घट करके 98.06 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। जीशान खान से कनेक्शन टूटने के बाद में पहले ही हफ्ते बिग बॉस OTT से बाहर हुई उर्फी जावेद ने हाल ही में परिवार को लेकर के कई खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस की माने तो उनका बचपन बेहद खराब रहा है। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उनके घर वाले उन्हें एक पॉर्न स्टार समझते हैं। उर्फी जावेद ने हाल ही में RJ सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि स्कूल टाइम पर उनकी एक तस्वीर एडल्ट वेबसाइट में पोस्ट की गई थी, जिस पर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। हेडिंग के लीड्स में होने वाले इस मैच से पहले लॉर्ड्स में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 151 रन से करारी शिकस्त दी थी। विराट कोहली की कप्तानी इंग्लिश कप्तान जो रूट को सामने पड़ी है। ऐसे में लीड्स में विराट एक बार फिर अपनी कप्तानी में भारत को जीत दिलाकर के सीरीज में अजय बढ़त दिलाने उतरेंगे। भारतीय पैरालंपिक में टीम की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। भारतीय टीम के मेडल के दावेदार और भारतीय दल के ध्वजा वाहक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद क्वारंटाइन हो गए हैं। उनके साथ एक खिलाड़ी और 4 कोचिंग स्टाफ के लोग भी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गए। मरियप्पन आज शाम को उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह जैवलिन थ्रोअर टेक चंद उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक होंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।